नमस्कार, इन खबर पर बहुत स्वागत है आपका। साथ आपके मैं हूँ शालिनी कपूर तिवारी। हर तरफ सिर्फ चर्चा हो रही है जियो फाइबर की, क्योंकि आज अपनी तीसरी वर्षगांठ के ऊपर देश के तमाम लोगों को एक बड़ा अच्छा गिफ्ट जियो फाइबर की तरफ से दिया जा रहा है। और अभी तक का आपका इंटरनेट एक्सपीरियंस शायद इसके बाद बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपको कम दरों के ऊपर बड़ी तेज स्पीड में इंटरनेट की फैसिलिटी मिलने वाली है। तो अभी तक जो आप बफरिंग से परेशान होने वाले थे, शायद आगे अब आपको इससे छुट्टी मिल जाए। अब इसमें सवाल ये है कि जो नए यूज़र हैं वो कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, किस तरह से उनको प्लान मिलेंगे, ये तमाम बातें तो हो गई। कुछ एक पायलट यूज़र इसमें है, क्योंकि जियो फाइबर हमारे सामने जो आ जा रहा है इसकी बाकायदा पहले टेस्टिंग की जा चुकी है। कुछ लोगों को, कुछ सोसाइटीज़ को पहले फ्री में ये सेवा दी गई थी, ताकि एक तरह से प्रीव्यू किया जा सके, वो लोग ये बता सकें कि सर्विस क्या अच्छी है भी या नहीं है, क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ताकि ये जब ठीक ढंग से इसे रन करना हो तो कोई प्रॉब्लम ना आए। अब वो जो पायलट यूज़र थे जिन्होंने पहले प्रीव्यू किया था इस सेवा का, वो किस तरह से इसे ले सकते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पायलट प्रोग्राम के तहत अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है तो जाहिर सी बात है एक और बार आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी। मतलब आपका पता, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर सब कुछ पहले से ही कंपनी के बाद है, पास है, तो एटलीस्ट ये तमाम चीज़ें आपको नहीं देनी होंगी। आपका हो सकता है आइडेंटिटी प्रूफ एक और बार ज़रूर मांगा जाए, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें कंपनी के पास पहले से हैं तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी होगी। अब देखिए, जो नए यूज़र हैं उन्हें 2500 कंपनी को देना होगा, जो राउटर उन्हें मिलेगा उसके लिए। लेकिन आप पहले ही 4500 एक तरह से हम कहें कि जमा कर चुके हैं, रिफंडेबल हालांकि यह है, लेकिन कंपनी के पास आपके 4500 पहले से जमा है, इसीलिए कोई अतिरिक्त शुल्क कंपनी आपसे नहीं लेगी, किसी भी तरह का कोई हिडन चार्जेस नहीं है। सिर्फ जो मंथली पेमेंट होना है, मतलब जो प्लान आपने सेलेक्ट किया है उसका पेमेंट आपको करना शुरू करना होगा। उसके पहले किसी भी तरह की टेंशन जो नए यूज़र के मन में इस वक्त उठ रही है, जो वो परेशान हो रहा है, मैं कहाँ भागूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे रजिस्ट्रेशन कराऊँ, एटलीस्ट इन सब चिंताओं से आप मुक्त हैं और ये काम आपको नहीं करना पड़ेगा। तो बस आप खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपको सिर्फ ये प्लान लेना है और इसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि बहुत से हो सकता है ऐसे लोग हो जो शायद इस प्लान में आगे ना जाना चाहते हो, लेकिन अगर आप बने रहना चाहते हैं तो कोई अतिरिक्त शुल्क या फिर रजिस्ट्रेशन की जरूरत आपको नहीं है। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में कहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।